टाइम टू से टाटा बाय बाय टू 2023। नहीं, आई नो अभी 31 दिसंबर नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हमने तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया 2023 को। जब तक आप 2023 को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, 24 का वेलकम कैसे करेंगे। और अब इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उन बड़े बड़े सितारों की, यानी कि बड़े पर्दे के सितारों की, जिन्होंने 2023 में किया OTT पर डेब्यू। सभी बड़े स्टार्स OTT पर आ रहे हैं और कुछ कामयाबी की अलग कहानी भी लिख रहे हैं। साल 2023 भी OTT के नाम रहा, जहां बॉलीवुड और TV सितारों से लेकर स्टार किड्स तक सभी ने खूब धमाल मचाया। आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन किन सितारों का नाम शामिल रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस साल के सबसे चर्चित OTT रिलीज, यानी कि जोया अख्तर की फिल्म आर्चीज की, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, जिसके साथ बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा, वहीं बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर से लेकर कई स्टार किड्स ने OTT पर अपना डेब्यू किया। इन स्टार किड्स से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इनकी एक्टिंग कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई नजर आई। यहाँ की इनकी एक्टिंग का लोगों ने मजाक भी उड़ाया। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके शाहिद कपूर ने भी जब अपनी OTT रिलीज फर्जी से न सिर्फ डेब्यू किया, बल्कि जब अपनी एक्टिंग का दम दिखाया तब लोगों को उन्होंने चौंका दिया। इस फिल्म को Amazon Prime पर रिलीज किया गया, जहां लोगों ने उनकी सीरीज के साथ साथ एक बार फिर से उनकी एक्टिंग को खूब सराहा। वहीं एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म जाने जहाँ से OTT पर अपनी नई पारी की शुरुआत की, और न सिर्फ उनके फिल्म की बल्कि लोगों ने करीना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की। काजोल ने भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज दी ट्रायल से OTT डेब्यू किया। काजोल के पति अजय देवगन ने पराग देसाई, दीपक धर, राजेश चड्ढा के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया, और अजय देवगन का ये दाव सही पड़ा, क्योंकि ये वेब सीरीज न सिर्फ अच्छी बनी बल्कि लोगों को कहानी के साथ साथ काजोल की एक्टिंग भी खूब पसंद आई। जहां एक और सभी बड़े कलाकार OTT पर अपना डेब्यू कर रहे थे, तो वहीं इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल हुआ, शर्मिला टैगोर का, जिन्होंने अपने OTT डेब्यू की शुरुआत गुलमोहर से की, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। मनोज बाजपेयी के साथ उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। तो वहीं इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी सीरीज दी नाइट मैनेजर से बॉलीवुड के सुपरस्टार और एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर ने भी अपना OTT डेब्यू किया, जिसके साथ आदित्य रॉय कपूर ने भी OTT पर अपना पहला कदम रखा। बेहतरीन एक्टर्स में से एक वरुण धवन ने भी इस साल अपना OTT डेब्यू किया। एक्टर ने Amazon Prime Video पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज सिटाडेल इंडिया में अपने एक्टिंग का जलवा दिखाया, और एक बार फिर वरुण धवन ने अपनी शानदार एक्टिंग के लिए लोगों से तारीफें बटोरी। लेडी दबंग सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ भी OTT पर तब गूंजती नजर आई जब उन्होंने अपनी वेब सीरीज दहाड़ से OTT की दुनिया में एंट्री ली। बड़े पर्दे पर भले ही सोनाक्षी की फिल्म अपना कमाल दिखाने में कई बार नाकामयाब हुई हो, लेकिन OTT पर उनके फिल्म और एक्टिंग दोनों को ही ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन दिनों जहां कंपटीशन बढ़ चुका है और हर कोई कुछ अलग कंटेंट देने में लगा हुआ है, तो वहीं इस लिस्ट में एक्टर और होस्ट मनीष पॉल का भी नाम शामिल है, जिन्होंने इस साल अपना डेब्यू रफू चक्कर के साथ तो किया ही बल्कि 20 किलो वजन भी घटाया। आपको बता दें कि 3 साल के रिसर्च के बाद इस सीरीज को रिलीज किया गया था। वो बात और है कि इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वहीं दूसरी ओर एक्टर वरुण सोबती ने भी अपना OTT डेब्यू अपनी सीरीज कोहरा से किया, जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया। आपको बता दें कि उनकी इस सीरीज और एक्टिंग दोनों को ही लोगों ने खूब पसंद किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू कई सालों से अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतती आ रही हैं। तब्बू हर बार अपने किरदार से फैंस को अपना दीवाना बना देती हैं। बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद तब्बू ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी इस फिल्म खुफिया को भी लोगों ने खूब पसंद किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बदलते समय और डिमांड को एक्टर्स बखूबी समझते हैं, इसलिए हर कोई कुछ अलग करने की रेस में OTT का रास्ता अपना रहा है, जहां अपने रोल के साथ वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएं और लोगों को एंटरटेन कर पाएं। यानी कि साल 2023 जाते जाते ना सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स को OTT पर लेकर आया बल्कि कॉन्टेंट के मामले में भी काफी कुछ नया दिखाया। ABP News आपको रखे आगे।